हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एजुकेटर। तो स्टूडेंट, क्लास 11 का आज ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है cos 7x और cos 5x। तो cos 7x और cos 5x लिखा हुआ है, इसका मतलब कि कोई ना कोई फार्मूला यूज होगा, यानी cos x और प्लस cos y। cos x प्लस cos y का फार्मूला क्या होता है, सभी लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या होता है, 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू cos x माइनस y अपॉन 2 होता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को ये फार्मूला याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लेंगे। और नीचे का ये फार्मूला याद करेंगे, देखिए साइन क्या होता है, साइन x माइनस साइन y क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है राकेश, 2 cos x plus y by 2, बहुत अच्छा बताया वो, sin x minus y by 2, ऐसे ही याद रखना, सभी लोगों का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। इसको ना, इसका नाम है सीडी फार्मूला, पहले की बुक में इसको सीडी फार्मूला के नाम से जानते थे, लेकिन क्या करें, एनसीईआरटी वालों ने इसको सीडी से हटा के एक्स वाई कर दिया है, नहीं तो सीडी फार्मूले के नाम से बहुत जल्दी याद होता था। बता देंगे आप लोगों को कैसे सीडी फार्मूला याद होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे x की जगह 7x है, तो 2 cos 7x plus 5x by 2 into cos 7x minus 5x by 2, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 cos 7x plus 5x by 2, फिर क्या हो जाएगा, sin 7x minus 5x by 2। जिसको ये फार्मूला याद होगा मात्र चुटकियों में सॉल्व कर लेगा इस क्वेश्चन को, जिसको नहीं याद कर होगा ना बाबू, जिंदगी भर कब नहीं सॉल्व कर पाएगा। इसलिए बाबू लोग, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, फार्मूला याद कर ले, रोक के वीडियो हुआ तब जाके सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो काट देंगे, जानते हैं कि नहीं जानते आप लोग, ये देखिए 7 + 12 होता है। ठीक है, इतना खामोशी से क्यों बैठे हो बाबू, खामोशी से क्यों बैठे हो, ध्यान दो अच्छे से देखो। देखिए cos कितना होगा, 2x होगा ना बाई 2, cos 12x बटे 2, और ये हो गया sin 2x बाई 2। देखिए एंगल तो एंगल से काटते हैं ना, कि अब बहुत लोग ऐसे करते हैं, लो इससे ऐसे काट लो, इससे ऐसे काट लो, तो गलती हो जाती है। एंगल को एंगल से काटते हैं, ध्यान देना इसको, ये इससे कटा, ये इससे 6 बार में कटा, तो ऊपर कितना बचा है, cos 6x, फिर cos x, फिर ये क्या हो गया, cos 6x और ये sin x, इससे इससे खत्म हो गया, क्या बचा है, cos x अपॉन साइन एक्स। और कॉस बटे साइन क्या होता है, 10 होता है, नहीं नहीं काट होता है, बहुत लोग सोचते हैं 10 9 होता है, क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। ये यानी कि ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, एकदम प्रूफ हो गया। आपको अगर ये फार्मूला याद रहा होगा तो समझ में आया होगा, अगर नहीं याद रहा होगा तो समझ में नहीं आया होगा, इसलिए फार्मूला को अभी भी याद कर लीजिए।